औपचारिक तौर पे आनंद सिंह भले ही कांग्रेस का दामन नहीं थामे हैं, लेकिन मानसिक तौर पे वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आनंद सिंह की यह गाड़ी है और इस गाड़ी पे कांग्रेस का झंडा लगा हुआ है। जो समर्थक आ रहे हैं वो इस गाड़ी और इस झंडे के साथ सेल्फी भी ले रहे हैं, क्योंकि यह गाड़ी उनके नेता की है और नेता कांग्रेस का दामन थामने का मूड बना लिए हैं और कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। हालांकि इसकी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, अब इंतजार इस बात का है कि पटना के गांधी मैदान में जो रैली होगी उसके बाद आखिर आनंद सिंह कांग्रेस का दामन थामेंगे, उसके बाद मुंगेर लोकसभा के उम्मीदवार भी होंगे। हालांकि वो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे मुंगेर लोकसभा के लिए और पार्टी उन्हें टिकट देगी, तो कांग्रेस पे ही के जो चुनाव चिन्ह होगा पंजा, उसके सहारे मैदान में उतरेंगे। अगर पार्टी उन्हें पंजा नहीं देगी चुनाव निशान, तो भी वो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता ने मूड बना लिया है। आनंद सिंह सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि अब उन्हें जनता का पूरा सहारा है, पूरा भरोसा है, उनके समर्थकों ने कह दिया है कि अब आपको चुनाव लड़ना है, लिहाजा आनंद सिंह अब कांग्रेस के सहारे आगे की राजनीति करना चाहते हैं। यही वजह है कि वो कांग्रेस का जो झंडा है उसे लगा के अपनी पहचान बदलने में जुटे हैं। सहयोगी रोहित के साथ गणेश सम्राट, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।